ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे नमस्ते। आज दिन में हमारी जमीन पर चांद निकल गया है। ठाकुर साहब, मुझे कुछ काम था आपसे। क्या? बस कुछ नहीं, थोड़े से पैसे चाहिए थे। देख, हम तो शिकार पे जा रहे थे, मगर पैसे चाहिए तो क्या चीज गिरवी रखेगी? ठाकुर साहब, मेरे पास है तो कुछ नहीं रखने के लिए, जो था वो तो आपने सब पहले ही ले लिया, और बस ज़्यादा समय के लिए नहीं चाहिए। ये पैसे मैं आपके जल्दी से जल्दी लौटा दूँगी। नहीं तो तुम्हारे बाप दादा भी तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ रखते चले आए हैं, तुम क्या रखोगी? चंदा, तुम बताओ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगी। आप जितना मुझे समय देंगे, कोशिश करूंगी कि उससे पहले ही लौटा दूं। आज तक तुम्हारे बड़े बूढ़े तो लौटा ना सके, आज तक हमारे कर्जे में दबे हुए हो तुम लोग, आज तक हमारे खेत खलियानों में काम कर रहे हो। ठाकुर साहब, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी मदद कर दो। हमने सुना है तेरे यहाँ भैंसे वैसे भी तो हैं। जी है तो सही, तो उन्हें गिरवी रख देना हमारे यहाँ। ठाकुर साहब, अगर हम उन्हें गिरवी रख देंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? एक वही तो हमारी कमाई का जरिया है। कितने पैसों की जरूरत है तुझे? बस कुछ ज्यादा नहीं, बस 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। 1.5 लाख? जी। 1.5 लाख तो तूने इतनी आसानी से कह दिया, गिने हैं कभी 1.5 लाख तूने? तुझे दे भी दें इतने सारे पैसे, मगर ये तो बता, करेगी क्या तू? जी वो कुछ नहीं, बस मेरा छोटा भाई है ना अरुण, वो जाएगा शहर। क्या करने? कुछ नहीं, पढ़ाई के लिए। अरे तेरे बाप दादा तो हमारी जमीन पर हल चलाते हुए आए हैं, आज तक पढ़ लिख कर क्या करेगा? अबे मैं तो कहता हूँ चंदर रानी, मुझसे विवाह कर ले, और सुन अपने भाइयों को भी हमारी हवेली पर भेज दे, वहाँ पर काम धंधा देखेंगे, और सुन जिंदगी ऐश की कटेगी। ठाकुर साहब, मैं आपसे मदद मांगने आई थी, अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आप मुझसे मना कर दीजिए। मदद को कोई हम ऐसे ही नहीं बांटते, दाम दाम मदद करने के लिए नहीं होते। अरे उसके एवज में कुछ तो दे। मैंने कहा ना, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है रखने के लिए। तो जबान पर पैसे तो हमने तेरी पुरखों को भी नहीं दिए, वो भी आज तक कुछ ना कुछ रखते आए हैं, तभी पैसा दिया है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ठाकुर साहब, आप जितने दिन का मुझे समय देंगे मैं उतने ही दिन में आपके पैसे लौटा। अरे हम तेरे समय का क्या करें, समय से हमें क्या लेना देना? समय समय, अरे हमसे विवाह क्यों नहीं कर लेती? मान ले चंदा रानी, तेरी जुबान पर हम पैसा दे भी दें, कब तक वापस कर देगी तू? देखिए ठाकुर साहब, आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं इतनी बड़ी रकम आपसे ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ। बता कब तक देगी? जब आप कहेंगे मैं जब ही लौटा दूंगी। देख हम तुझे 1 साल का समय देते हैं। 1 साल? हाँ। मैं सच्ची में लौटा दूंगी 1 साल बाद। दे देगी ना? हाँ। 1 साल में, मगर सुन उसके साथ हमारी एक शर्त है तेरे साथ। शर्त? क्या तुझे हमारी शर्त कबूल है? जी। अगर साल भर के अंदर तू हमारा पैसा वापस न कर सकी तो तुझे हमसे विवाह करना होगा। क्या सोच रही है चंदा रानी? देख ले तेरे भाई के फ्यूचर का सवाल है, अरे अगर वो पड़ गया ना तो 6 महीने में ही इससे 4x रकम वापस कर देगा, हम तो तुझे 1 साल का समय दे रहे हैं। मुझे मंजूर है। तुझे मंजूर है? तब तू ठहर, मैं तुझे अभी पैसे देता हूँ, ठीक है? मैं लेकर आता हूँ। और हाँ चंदा रानी, तुम्हारी जबान पे दे रही हूँ, और चलो आओ अंदर, अंगूठा लगाना।
अरुण जी दीदी। अरे तुम लोग कहाँ थे? हम कहीं नहीं, हम अंदर ही थे दीदी। अच्छा हाँ, अब जाने की तैयारी कर ले तू। जाने की तैयारी मतलब? हाँ अरे जाने की तैयारी, मेरे कहने का मतलब है शहर जाने की तैयारी कर। हाँ दीदी तो ठीक है, शहर जाने की तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन पैसे का इंतजाम कहाँ होगा? लो बस इतनी सी बात हो गया, समझो पैसों का इंतजाम। हाँ हो गया। पैसों का इंतजाम से और क्या है? कहाँ से? कहाँ से? वो तो सब ठीक है दीदी, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? अच्छा ये पैसे? हाँ वो मैं ना, वो गांव नहीं है हमारे, गांव के बराबर में जो वहाँ मेरी सहेली रहती है, बस उसी से उधार ले लिए, और जब ये वहाँ अच्छा पढ़ के आएगा तो फिर हम उसके लौटा देंगे। आपकी जुबान सहेली का नाम लेते हुए लड़खड़ा हो रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी उदासी है कि मेरा छोटा भाई दूर हो जाएगा मुझसे। वो तो ठीक है दीदी, पर वैसे भैया ने जैसा कहा कि जवान लड़खड़ा रही है कोई। अच्छा ये है, सुनो मेरी बात, तुम लोग मुझसे छोटे हो, मैं तुम लोगों से बड़ी, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, और तू अपने जाने की तैयारी कर और इसकी जाके मदद कर, जा। मैंने बोला जाओ, चलो तुम। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तू खामखा चिंता कर रहा है, ऐसी क्या बात होगी? मैं सच कह रही हूँ कि मैं अपनी सहेली से ही लेके आई हूँ, और हाँ अब ज्यादा सोच मत, चल के उसकी जाने की भी तैयारी करनी है, चल। बिल्कुल हाँ, जा ले चप्पल पहन, चल चल। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं दीदी वो ना ये चप्पल काटती है पैरों में। अरे तो बेवकूफ, इनको पैरों में पहना जाता है, हाथ में कौन लेता है? पागल है तू? अच्छा मतलब मुझसे तो तुम कह रही हो। अच्छा भैया तुम क्यों नहीं पहनते चप्पल? देखो देखो खुद। अच्छा तो तुम पहन। अरे काटेंगी वो तो, मुझे भी तो काटेंगी। अरे पहन लो भैया, क्यों बहस कर रहे हो दोनों के दोनों? जाएगा तू, अच्छा नहीं लगता, नंगी पैर जाएगा हमारे घर में तो कोई बात नहीं, वैसे इतने बड़े शहर में जा रहा है। एक तो ये चप्पल छोटी हो गई है, तेरा पैर बड़ा हो गया है बेवकूफ। चप्पल छोटी नहीं हो गई, तू बड़ा हो गया है। ठीक है आ रहा हूँ ना। दीदी मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, मैं जा रहा हूँ और काफ़ी साल लग जाएंगे मुझे वहाँ जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊँगा, पर दीदी जाना भी ज़रूरी है मेरा, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाई करने नहीं जाऊँगा तब तक हम लोग ये बंधवागिरी से उभर के नहीं आएंगे। ये आपके आंसू हैं, अगर आप इस तरीके से रोओगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा इस तरीके से। नहीं नहीं क्योंकि देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जा रहा हूँ, और माँ बाबू ने जितना भी कर्जा लिया था सिर्फ उसके लिए जा रहा हूँ। जा और मन लगा के पढ़ना, ठीक है? और हाँ पढ़ने के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना। बिल्कुल ठीक है ना? आप भी अपना ध्यान रखना, अच्छे से फ़ोन वगैरह कर लिया करना। फ़ोन? अरे वो याद नहीं रहा दीदी, वो शहर में फ़ोन ही तो चलते हैं, पर खैर कोई बात नहीं, अगर अपने गांव में फ़ोन नहीं है तो चिट्ठियां तो हैं, आप चिट्ठी भेजती रहिए करिएगा। बिल्कुल। पर देखो कोई ऐसी बात नहीं है, गांव का डाकिया आता ही है, उससे चिट्ठी लिखवा ली भेज दिया। अरे तेरी रेलगाड़ी निकल जाएगी, फिर किस में जाएगा तू? हाँ, और भैया वरुण कहाँ है पता? एक मिनट में आवाज़ दूँ। वरुण वरुण शायद तो अंदर हूँ तो आवाज़ नहीं पहुँच रही, मैं देखता हूँ जाके। वरुण 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 यार रो रहा है मेरे भाई तू? अरे मेरे शेर जैसे भाई ऐसे तू रोएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, और सब तो ठीक है, लेकिन यार वो पल कैसे भूल सकते हैं जब हम साथ में खेलते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में खेतों पर काम किया इतने समय तक। लेकिन इन सब बातों को छोड़, ये तो सब लगा रहता है, और मेरे आंसू कोई दुख के थोड़ी हैं, मेरे आंसू तो खुशी के हैं कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और उसके बाद
हम लोगों के दुखों को दूर करेगा। बिल्कुल जरूर, और मैं सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ। ध्यान रखना अपना, और हाँ जल्दी चल, वो तेरी छुक 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 रेलगाड़ी निकल जाएगी भाई। अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? कुछ नहीं, शरारतें कर रहा था अंदर ही, वो शरारतें भुलाने गया था। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों की शरारतें हो गई हो तो अब छोड़ के आ। चल ठीक है, चलता हूँ। वाह ये तो काफी कुछ सीख गया, चल जल्दी चल। अपना ध्यान रखना है ना। तुम भी अपना ध्यान रखना, और खाना टाइम से खाना। बिल्कुल जरूर, ठीक है ना। तुम भी हाँ, और मुझे ना चिट्ठी भेजता रहना। मैं भी यहाँ से भेजूंगी। ठीक है ना, अपना ख्याल रखना बस। ठीक है जा।